तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज मैं फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के साथ एक नए होटल ब्लॉग लेकर। दोस्तों अभी मैं हूँ पटना के रेल दानापुर रेलवे स्टेशन के पास। दोस्तों यहाँ से मैं निकलने वाला हूँ अपने होटल के लिए, तो चलिए होटल चलते हैं और आपको होटल का एक छोटा सा होटल रिव्यू और एक रूम टूर देते हैं। तो दोस्तों फाइनली हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं। ये देखिए मेरे पीछे होटल गोल्डन पामिंग दिख रहा है। तो चलिए चेक इन करते हैं और आपको अंदर से इसका टोटल व्यू दिखाते हैं। तो दोस्तों फाइनली अपना चेक इन प्रोसेस हो चुका है कंप्लीट। चलिए अब अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं अपना रूम कैसा मिला है। कौन सा रूम है सर? एक मिनट। सो दोस्तों फाइनली हम अपने रूम में पहुंच चुके हैं और रूम बहुत ही मतलब अच्छा है। मैं आपको रूम टूर देता हूँ। दोस्तों रूम टूर देने से पहले मैं आपसे बस एक ही चीज कहना चाहता हूँ कि यार मैं इतना मेहनत करके आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ, मतलब इतना सारा मेहनत लगता है, इतना सारा टाइम निकाल के आपके लिए सिर्फ वीडियो बनाने के लिए होटल बुक करता हूँ। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एक लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए अब आप आपको रूम टूर। दोस्तों रूम टूर देने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि जो अभी का सिचुएशन है कोविड का, उस सिचुएशन को देखते हुए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आपको यहाँ पे ना कोई सैनिटाइजर ना कोई मास्क दिया जाता है। सो आप अपने साथ सैनिटाइजर और मास्क जरूर लाएं क्योंकि यहाँ पे आपको ये सुविधा। दोस्तों जैसे ही आप मेन डोर से एंटर करते हो तो ये देखिए पता नहीं किसी के शादी का है जो अभी तक पोस्टर निकाला नहीं गया है, शायद निकल नहीं पाया है। जैसे ही आप मेन डोर से एंटर करते हैं तो आपको एक सोफा डबल साइज का दिया हुआ है जिस पर बैठ के चिल कर सकते हैं। चिल क्या ही करोगे यार। और एक सिंगल सोफा दिया हुआ है जिसपे मेरा बैग और इधर में एक टेलीफोन दिया हुआ है जिससे आप कॉल करके अपने रूम से कुछ भी खाना ऑर्डर करना हो या जो भी सर्विस आपको चाहिए या जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए वो आपको कॉल करके मिल जाएगा। और एक छोटा सा सामान रखने के लिए दिया हुआ है जिसमें कुछ भी नहीं है, और ये मेरा बोतल और सैनिटाइजर। और इधर में एक मिरर दिया हुआ है जिसमें आप अपना फेस देख सकते हैं। और इधर की बात करें तो इधर में आपको एक मीडियम साइज का बेड दिया हुआ है जो कि काफ़ी कम्फर्टेबल है, दो लोग आराम से सो सकते हैं इस पर। और इधर में एक टीवी दिया हुआ है जो कि स्मार्ट टीवी नहीं है। और इधर में नीचे में एक टेबल जिसपे मेरा नीचे शूज रखा हुआ है। दोस्तों इस पर आप खाना वगैरह खा सकते हैं रखकर। और इधर में एक डस्टबिन दिया हुआ है जिससे आपको रूम से बाहर जाने के कुछ भी डालने की आवश्यकता ना पड़े। और इधर में है एक वार्डरोब, वार्डरोब में कुछ भी नहीं है, मैंने चेक किया अभी। तो आप कपड़ा वगैरह या कुछ भी सामान हो तो आप वार्डरोब में रख सकते हैं। और इधर में है आपका वॉशरूम। दोस्तों इनका वॉशरूम काफी छोटा है बट हाँ एक बात है कि साफ सफाई बहुत अच्छा है। और ठंडा में जब आप आते हैं तो खास करके आपको एक चीज की जरूरत होती है और वो है गीजर। दोस्तों यहाँ पे गीजर दिया गया है जो कि प्रॉपर वर्क भी कर रहा है, ये देखिए प्रॉपर वर्क कर रहा है दोस्तों गीजर। और यहाँ पे कुछ भी टॉयलेट्रीज नहीं दिया गया है, टॉयलेट्रीज सिर्फ आपको एक छोटा सा सोप दिया गया है जिससे आप हाथ
वगैरह धो सकते हैं। इधर में बेसिन जो कि हाँ सही है, साफ सफाई भी अच्छा है। और इधर में एक मिरर दिया हुआ है, आप अपना फेस देख सकते हैं और देख लीजिए। एक बाल्टी और मग्गा दिया हुआ है जिससे आप नहा सकते हैं, अदरवाइज आपको झरना भी दिया हुआ है, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। और जैसे ही आप, अब चलिए बाथरूम से निकलते हैं, वॉशरूम से जैसे ही आप निकलते हैं तो इधर में एक विंडो दिया हुआ है, विंडो से कुछ इस तरह का व्यू आता है। एक्चुअली ये होटल का बैक साइड है, तो मतलब ये रोड साइड नहीं है, रोड साइड उस तरफ है और बैक साइड है, तो इस तरह से मतलब इस टाइप का कुछ व्यू दिखता है। उधर में मेन रोड है, आप देख ही सकते हैं दोस्तों। और हाँ, एक चीज़ तो मैं बताना भूल ही गया दोस्तों, आपको यहाँ पे एसी और फैन भी दिया गया है। वैसे तो आजकल ठंडा है यार, कौन ही एसी या फैन। तो ये रहा कुछ रूम टूर, अब मैं आपको फ्रेश होने के बाद मिलता हूँ। मैंने इस होटल को कितना में बुक किया है और मुझे कितना पे करना पड़ा है सब कुछ बताऊंगा, सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों अब बात करते हैं लोकेशन की, तो दोस्तों आपको लोकेशन के लिए कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, लोकेशन एग्जैक्ट सगना मोड़ पे है। जैसे ही आप सगना मोड़ पे पहुंचते हैं तो आपको होटल गोल्डन पाम इन आपको दिख जाएगा, सो आप एक इजिली चेक इन कर सकते हैं, इसके लिए आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो सेकेंड थिंग जो आप लोग मेरे से सबसे ज्यादा पूछते हो और जिसके लिए आप ये वीडियो देख रहे हो, वो है कि ये होटल कपल फ्रेंडली है या नहीं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये मैरिड और अनमैरिड दोनों कपल्स को अलाउ करती है, सो हाँ ये बिल्कुल कपल फ्रेंडली है, आप अपने पार्टनर के साथ आ सकते हैं और यहाँ पे एंजॉय। दोस्तों आप अपने रूम से खाना ऑर्डर करके अपने रूम में खाना मंगवा सकते हैं और आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे खाने की भी व्यवस्था की गई है। अगर बात करें इसके कॉस्टिंग की, तो दोस्तों मैंने इसके लिए मतलब एक नाइट फॉर वन पर्सन के लिए 700 रुपये पे किए हैं, जो कि मुझे अच्छा लगा यार, यह एक बहुत ही मतलब बजट टाइप का लगा मुझे, मतलब इस प्राइस रेंज में मुझे अच्छा लगा। अगर आप इस होटल को बुक करते हो तो आपको शायद अप्रॉक्स 1000 से 1200 के एवरेज में आप इसे बुक कर सकते हो, सो हाँ ऑब्वियसली आप एक बार इसे चेक कर सकते हैं, मतलब इस बजट में मुझे यह काफी रिजनेबल मतलब लगा। सो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, यही था इस होटल का एक छोटा सा होटल रिव्यू। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक कर दीजिएगा, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कर दीजिएगा और हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और उस बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे आने वाली हर वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए मिलते हैं किसी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक ले टाटा बाय बाय टेक केयर। आ गया दोस्तों, तो चलिए अभी से बाय बाय करते हैं और आपसे मिलते हैं एक नए होटल ब्लॉग के साथ, सो बने रहिएगा मेरे साथ ऐसे ही लगातार मैं आपके लिए होटल ब्लॉग लाता रहूँगा। चलिए टाटा बाय बाय टेक केयर।